हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो कैड के बारे में। जो स्टूडेंट्स बिगनर हैं, जिन्होंने अभी ऑटो कैड चलाना बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो उनको कुछ सेटिंग्स के बारे में या तो पता होना चाहिए या स्टार्टिंग में वो सेटिंग कर लेनी चाहिए। तो ऐसे हम 10 सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल बेसिक है, बट आपको अगर वो सेटिंग्स के बारे में नहीं पता है तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज इन्हीं सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेटिंग है जो हमारी, वो है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। जब भी आप ऑटोकैड को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप स्टार्टिंग में जब ऑन करेंगे और एक लाइन को आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो आप देखते हैं कि जब दूसरी लाइन को क्रिएट करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट को स्नैप करता है वो सिर्फ एंड पॉइंट को करता है, वो मिड पॉइंट को स्नैप नहीं करता। जिन स्टूडेंट को स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में नहीं पता, तो वो परेशान हो जाते हैं कि वो मिड पॉइंट को स्नैप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने जितने भी टॉगल बटन्स हैं इसमें आपको मिलता है ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप, अगर ये यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप इस कस्टमाइजेशन एरोज पे क्लिक करें तो आप सभी सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। जितने भी टॉगल बटन्स हैं सभी को ऑन कर सकते हैं, या फिर जो आपको चाहिए आप इसे ऑन करें। और यहाँ पे आके देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट स्नैप है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ आपका एंड पॉइंट सेंटर और जो आपका इंटरेक्शन या फिर आपका एक्सटेंशन पॉइंट है वही आपका ओपन है। तो आप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं ताकि हर एक पॉइंट को वो स्नैप करे, एंड यहाँ पे फिर आप ओके कर दें। तो अब आप देखेंगे कि आपका ये हर एक पॉइंट को स्नैप करेगा, आपका नियरेस्ट पॉइंट, आपका मिड पॉइंट या फिर आपका एंड पॉइंट। तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर है और जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो अब बात करते हैं सेकेंड सेटिंग के बारे में। सेकेंड सेटिंग जो है वो है आपका डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट क्या होता है, जब आप L एंटर करते हैं, लाइन लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि कर्सर के साथ ही आपकी डायमेंशंस यहाँ पे चल रही होती हैं। वो आपको बताता है कितना है, वो आपको एंगल शो करता है यहाँ पे कि कितने एंगल पे आप इस चीज को बना रहे हो। अब ये सेटिंग देखने में तो बहुत सही लगती है, बट अगर किसी का सिस्टम की कॉन्फिगरेशन हाई नहीं है तो उसको इस सेटिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्योंकि आपकी सिस्टम थोड़ा स्लो जाता है इसकी वजह से। अगर आप ये अगर ऑन करते हैं तो इसकी वजह से आपका सिस्टम काफी स्लो जाता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम स्लो हो रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे आपको टॉगल बटन में डायनेमिक इनपुट का मोड मिलेगा आपको, तो आप इसे ऑफ कर दें ताकि ये सेटिंग दोबारा ना आए और जितनी भी चीजें थी वो आपकी कमांड लाइन में ही आए। तीसरी सेटिंग में होता है कि जो आपके ग्रिप पॉइंट्स होते हैं, अगर आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, जो आपके ब्लू कलर के पॉइंट होते हैं ये होते हैं ग्रिप साइज। जब आप ट्रिम करते हैं TR एंटर, तो आप देखते होंगे जो ये आपका बॉक्स बना है व्हाइट कलर का, ये है आपका पिक बॉक्स। उसके बाद है ऑटो स्नैप मार्कर साइज। ऑटो स्नैप मार्कर साइज क्या होता है कि जब आप L एंटर दोबारा से करेंगे और जब ये स्नैपिंग करता है किसी भी पॉइंट को, तो जो ये बॉक्सेस के साइज है इसको कंट्रोल कैसे करना है, और जो आपका कर्सर है ये इसे अपर्चर बोलते हैं, इसके साइज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है एंड जाए ऑप्शन पे, या फिर आप ओपी एंटर भी कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हो ओपी एंड एंटर। अब यहां पे आप जाएंगे, अगर आप ड्राफ्टिंग पे जाते हैं तो यहां से आप ऑटो स्नैप मार्कर साइज की साइज को अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना पसंद करते हो। यहां से आप अपर्चर साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जो आपका अपर्चर का साइज है। अगर सिलेक्शन पे आप जाते हो तो यहां से आप पिक बॉक्स साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, और ग्रिप साइज को आप यहां से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो इसको करने के बाद जो भी आपको सेटिंग्स होगी उस पर आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ सेटिंग की, जो है आपका डिस्प्ले कलर। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको एक ग्रेश कलर का डिस्प्ले नजर आ रहा है, आप इस कलर को चेंज कर सकते हो। कोई व्हाइट कलर पे काम करना चाहता है, कोई ब्लैक कलर पे काम करना चाहता है, तो इसके लिए भी आपको राइट क्लिक करके ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कलर, आप इस पे क्लिक करें। अभी जो आपका कलर है वो ग्रेश कलर है, इसका कोड है ये RGB का कलर कोड है, मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू 33 40 48। आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि अगर आपको बाद में सेम सेटिंग लेके आनी है तो इन्हीं कोड की वजह से आप वापस से ये कलर लेके आ पाए। आप इस पे क्लिक करें, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे व्हाइट किया ओके एंड ओके करें तो आपका इस तरीके से व्हाइट आ जाएगा। आपको ग्रिड ऑफ करना है ऑफ कर सकते हैं,
ऑन करना है ऑन कर सकते हैं, वापस लाने के लिए आप दोबारा ऑप्शन पे जा सकते हैं, डिस्प्ले पे जाएं, कलर पे क्लिक करें। अब यहाँ पे एक मिलेगा डायरेक्टली ब्लैक, ये बिल्कुल जेड ब्लैक होता है, वही अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं, तो आपका वही सेटिंग दोबारा से आ जाएगी। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सेम कलर आपको दोबारा से आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वर्क स्पेस के बारे में। जैसे आप ऑटोकैड को ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वर्क स्पेस का, ये आप कर्सर लेके जाएंगे तो दिखाएगा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब है कि आपको अपना काम करने का स्पेस किस टाइप का चाहिए। अगर आपको 2D पे काम करना है तो आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को चूज करें, तो यहाँ पे जितने भी आपको टूल्स नजर आएंगे वो आपके 2D टूल से रिलेटेड होंगे, 2D के टूल्स होंगे बेसिकली। उसके बाद है 3D बेसिक्स, ये आपके जो टूल होंगे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ये 3D के बेसिक टूल होंगे जो आपके सिविल इंटीरियर में यूज होते हैं किसी भी चीज को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आप एडवांस मॉडलिंग करते हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप क्लिक करके 3D मॉडलिंग पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे एडवांस टूल आपके ओपन हो जाएंगे जो ऑटोकैड में आपको देखने को मिलते हैं। इनमें हम अपना कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने टूल्स को, वो बात हम बाद में करेंगे, बट अभी है कि आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन करें क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ऑटोकैड 2D पे ही वर्क करना है। नेक्स्ट सेटिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन आप प्लीज प्रेस कर दें और उसके बाद ये बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते जाएं और आप इन टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोस को देख सकते हो। और आगे आने वाले टाइम में बहुत वीडियो यहाँ पे आने वाली हैं हर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। अब नेक्स्ट सेटिंग क्या है कि मान लो आपके पास ऑटोकैड का हायर वर्जन है, आप ऑटोकैड के हायर वर्जन पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑटोकैड का 2022 वर्जन है। अब अगर मैं किसी भी फाइल को सेव करता हूं, अगर मैं यहां पे जाके सेव करता हूं तो आप अपने सिस्टम में देखेंगे यहां पे कि यहां पे 2022 वर्जन में सेव होता है या फिर लोअर वर्जन 2018 में सेव होगा। अगर आप अपनी फाइल को सेव करते हैं और किसी को सेंड करते हैं, अगर उसके पास हायर वर्जन नहीं है, अगर उसके पास मान लो 2013 वर्जन है, तो वो उस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा और उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम एक जगह और आ सकती है कि मान लो आपके पास 2022 वर्जन है, आपका किसी वजह से क्रैश हो गया और आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ा थोड़ा लोअर वर्जन, तो जितनी भी आपकी फाइल है वो उसमें ओपन नहीं होंगी, वो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम से अरेंज करके कन्वर्ट करके ही आप इसे चला सकते हैं। तो बार बार इसको करने से बेटर कि अगर आप मान लो सेव करते हो किसी भी फाइल को, तो एक चीज तो यहां पे है कि आप अपने अकॉर्डिंग से वर्जन सेव कर सकते हो, बेटर रहता है कि 2007 या लोअर वर्जन में आप इसे सेव करें ताकि आप कहीं पे भी इस चीज को ओपन करें तो किसी भी वर्जन में वो आपका ओपन हो पाए। या फिर इसके लिए आप एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हो, उसके लिए राइट क्लिक करें, दोबारा से ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे है ओपन एंड सेव और यहाँ पे है सेव एज, सेव एज को क्लिक करके डायरेक्टली 2007 या जिस भी वर्जन लोअर वर्जन में आप बाय डिफॉल्ट सेव करना चाहते हैं आप उसे क्लिक कर दें एंड ओके कर दें। अब क्या होगा कि जब भी आप अपनी फाइल को सेव करोगे तो डायरेक्टली वो 2007 दिखाएगा, आपको बार बार वो चीजों को यहां से कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको कर लेनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है रीजेनरेट करना। रीजेनरेट क्या होता है वो आपको बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन करते हैं तो ठीक है अच्छे से हो रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि जूम आउट करते हुए एक पॉइंट पे आके जूम आउट स्टक हो जाता है और उसके बाद वो जूम आउट नहीं होता, या फिर जब आप लेफ्ट या राइट में मूव करते हैं, अप या डाउन में मूव करते हैं, तो एक लिमिट के बाद कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है और वो मूव नहीं होता। या फिर कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये सर्कल है, अभी आपको नॉर्मल दिख रहा है, बट जैसे ही आप जूम करते जाओगे कभी कभी क्या होता है कि वो एज इज उसके अलग से आपको नजर आते हैं, वो प्रॉपर राउंड नहीं आता। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इन सब चीजों को बचने के लिए आपको करना है एक कमांड रीजेनरेट, RE Enter। ये कमांड इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि जब बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि अब इस चीज का सोल्यूशन क्या करें, क्योंकि ये कमांड नॉर्मली कोई यूज नहीं करता। ये कमांड तभी यूज की जाएगी जब बंदा वहां पे स्टक हो जाएगा और उस चीज का उसको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आएगा, उस कंडीशन में आप RE एंटर करें तो आपके दोबारा से मॉडल रीजेनरेट हो जाएगा और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं, कमांड लाइन। जब आप बिगनर हैं, मान लो ये नीचे आपको कमांड लाइन यहां पे नजर आ रही है, गलती से अगर आप इसे क्लोज कर देते हो और ये चली जाती है, अब आपको नहीं पता कि इसको वापस कैसे लिया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। कंट्रोल प्लस 9 आप प्रेस करें तो आपकी कमांड लाइन दोबारा से आ जाएगी। कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करोगे दोबारा से चली जाएगी। अगर आप मैक यूजर हैं तो आप कमांड प्लस 9 का यूज कर सकते हैं, तो उसी से आप कमांड लाइन को स्विच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है जो 9th नंबर पे है, वो है हार्डवेयर एक्सीलरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड है तो आप यहां पे देखेंगे आपके टॉगल बटन में यहां पे हार्डवेयर एक्सीलरेशन है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करके ग्राफिक परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो यूज हो रहा है ऑटो कैड को रन करने के लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास यहां पे कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं है, या फिर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, है ही नहीं, और यहां पे हार्डवेयर एक्सीलरेशन ऑन है, तो ये क्या करता है, इसने लिखा हुआ है क्लियरली यहां पे कि डिसेबल कर दे हार्डवेयर एक्सीलरेशन को ओनली इफ यू आर एक्सपीरियंस ग्राफिक इशू। अगर आपके पास कोई भी ग्राफिक इशू आ रहे हैं तो आप इस हार्डवेयर एक्सीलरेशन को ऑफ कर दें, फिर ये इंटरनल ग्राफिक को यूज करेगा जो भी इसके अंदर इनबिल्ट होगा, या अपनी पावर को यूज करेगा, आपके एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड को यूज नहीं करेगा। तो अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं है और कुछ प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो प्लीज आप इसे ऑफ कर दें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी आएगी ऑटोकैड। और लास्ट में आती है आपकी एक सेटिंग, वो है रिसेट करने की। अगर आपसे कुछ भी गलती से हो गया या आप ऐसी सेटिंग्स कर दी, आपको नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, कुछ चीजें होती हैं जो ऐसे रिबन यहां से ऑफ हो गया है, या कुछ भी चीजें जो आपसे प्रॉब्लमेटिक यहां पे हो गई और आपको उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी ऑटो कैड की सेटिंग को रिसेट कर सकते हैं। रिसेट करने के लिए वही आप राइट क्लिक करके ऑप्शन पे जा सकते हैं, या फिर ओपी एंटर करें तो आप यहां पे देखेंगे कि प्रोफाइल पे जाएं लास्ट में, और यहां पे है रिसेट का ऑप्शन। आप रिसेट पे क्लिक करें एंड यस कर दें तो आपका कंप्लीट ऑटोकैड यहां से रिसेट हो जाएगा और सारी चीजें जो भी थी वैसी ही हो जाएंगी। बट इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग भी आपको सिलेक्ट ऑल करके कर लेनी है, और जो भी सेटिंग्स बताई वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और इस टाइप के अब रिलेटेड वीडियो मैं अब आपके लिए डेली लेके आने वाला हूँ। अब इतना टाइम नहीं दूंगा बीच में कि मैं काफी दिन बाद वीडियो लाऊंगा, बट मैं अब डेली वीडियो इस चीज को रखने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।